हमारी चल रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मध्यकाल था, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो मध्यकाल है उसको दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल नाम दिया गया था, फिर भक्ति के भी प्रमुख रूप से दो भागों में बांट दिया, पहली थी निर्गुण भक्ति, दूसरी थी सगुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति की भी दो शाखाएं हो गई थी, एक थी ज्ञानाश्रयी जिसको दूसरे रूप में संत के अवधारा के नाम से भी जाना गया, और दूसरी थी प्रेमाश्रय जिसको दूसरे रूप में सूफी के अवधारा के नाम से जाना गया। ज्ञानाश्रय की अवधारा क्या होती है, संत के अवधारा किसे कहा गया, उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उसकी कौन कौन सी कैबगत विशेषताएं हैं, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। इसके बाद निर्गुण भक्ति की जो दूसरी जो शाखा है वो है प्रेमाश्रय शाखा, जिसको दूसरे रूप में सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना गया है। ये कवि प्रेम का आश्रय लेकर के, प्रेम के माध्यम से इस आत्मा में उस परमात्मा की प्राप्ति या इस आत्मा में उस परमात्मा के प्रति इस तरह प्रेम के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं। जैसे ही इनको आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का पता लगता है, ये उसके उस प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं, उसके प्रति विरह की भावना इनमें जागृत हो जाती है, और फिर इस तरह के उस विरह जनित प्रेम से ये व्याकुल हो जाते हैं, और तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है तब तक उसके प्रति इस तरह प्रेम और आकर्षण रखते हैं। ये प्रेमाश्रय की अवधारणा होती है। ये कवि प्रेम के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं। प्रेमाश्रय की अवधारणा को अनेक नामों से जाना गया। एक बार आपके एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रेमाश्रय की अवधारणा को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, प्रेमाश्रय की अवधारणा को प्रेमाश्रय काव्य शाखा, प्रेम मार्ग काव्य शाखा, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, क्योंकि जो प्रेम है उसको अरबी फारसी में रोमांस भी कहा जाता है। ये जो कवि हैं अधिकतर मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया, और अरबी फारसी में प्रेम को रोमांस के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस काव्यधारा को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा भी कहते हैं, और एक नाम इसका सूफी काव्यधारा भी है। इस तरह इसको अनेक नामों से जाना जाता है। अब देखिए, दूसरा है सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा में जो सूफी शब्द है इस पर हमारे इतिहासकारों में मतभेद हो गया कि सूफी सामान्यतः किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसे तो सामान्य रूप में सूफी व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो ईश्वर आराधना में मग्न रहता है, जो विचारों से शुद्ध एवं पवित्र होता है, और इसके साथ साथ वो सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहता है, वह व्यक्ति सूफी कहलाता है। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने सूफी शब्द का अलग अलग अर्थ लिया है। कुछ जो इतिहासकार है वो तो बताते हैं कि जो सूफी शब्द है वो सुफा से निकला है। सुफा जो मुस्लिम धर्म का जो तीर्थ स्थान है मक्का में मदीना, उसके सामने बनने वाला जो चबूतरा है वो सुफा कहलाता है, और उस सुफा चबूतरा के आसपास बैठने वाले जो भी मुस्लिम संत होते हैं उन संतों को सूफी संत कहा जाता है, जो वहाँ उस चबूतरे के आसपास बैठ करके और ईश्वरीय उपदेश देते हैं, ऐसे उन संतों को सूफी संत कहा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूफी शब्द है वो सोफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। कुछ विद्वान इस सूफी शब्द का अर्थ है वो सूफा से मानते हैं, और सूफा का अर्थ वो पवित्र एवं शुद्धता से लगाते हैं। सर्वमान्य जो मत है वो कुछ इतिहासकारों का ये भी है कि सूफी जो शब्द है वो सूफ से निकल करके आया है, सूफ, और सूफ का अर्थ होता है ऊन, कि जो भी सूफी संत होते हैं वो सफ़ेद ऊन से बना हुआ चोगा पहनते हैं, चोगा धारण करते हैं, और ऐसे सफ़ेद ऊन से बने हुए उस चोगे को धारण करने वाले जो संत कवि हैं वो सूफी संत कहलाते हैं। इस तरह की मान्यता भी इस सूफी शब्द को लेकर है। इस तरह हमारे इतिहासकारों ने सूफी शब्द को लेकर अलग अलग अपने विचार इस तरह से प्रकट किए हैं। लेकिन चाहे प्रेमाश्रय काव्यधारा हो चाहे सूफी काव्यधारा हो, इसका जो प्रमुख जो आधार है वो है प्रेम। प्रेम
ये कवि है वो प्रेम तत्व की महत्ता को मानते हैं। जैसे इस आत्मा में परमात्मा का परमात्मा का पता लगता है तो हमारी जो आत्मा है उस परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल हो जाती है, उसके विरह में उसके प्रति इस तरह का प्रेम या आकर्षण पैदा हो जाता है कि वह उसके विरह में तृप्त हो जाती है, वह उसके विरह में उसे मिलन के लिए उत्कंठित हो जाती है, उत्साहित हो जाती है। ये आपके प्रेमाश्रय व सूफी काव्यधारा है। अब है प्रेमाश्रय व सूफी काव्यधारा के जो कवि हैं इनकी क्या विशेषता है। वैसे तो हमारे यहाँ प्रेमाश्रय व सूफी काव्यधारा है उसका आगमन भारत में 9वीं-10वीं शताब्दी में माना जाता है। इस काव्यधारा को प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय है वो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। उन्होंने और उनके शिष्यों ने इस काव्यधारा को हमारे यहाँ भारत में फैलाया है। ये सूफी काव्यधारा है। अब है प्रेमाश्रय व सूफी काव्यधारा के कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां, कि इनकी प्रमुख जो प्रवृत्तियां क्या है। तो देखिये प्रेमाश्रय व सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां, हमारे सिलेबस में जो कवि है उसमें मलिक मोहम्मद जायसी है, वो सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है, जिन्होंने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा था। और उस पद्मावत नामक महाकाव्य में उन्होंने राजा रत्नसेन और पद्मावती के माध्यम से उनकी जो प्रेम कथा है उस प्रेम कथा के माध्यम से उन्होंने आत्मा और परमात्मा के प्रेम की कथा को चित्रित किया है, बतलाया है। अब देखिए प्रेमाश्रय या सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। तो पहली जो प्रवृत्ति है प्रेमाश्रय व सूफी काव्यधारा की वो है मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली का प्रयोग। मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली का प्रयोग, देखिए सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रय काव्यधारा के अधिकतर जो कवि हैं, सभी नहीं अधिकतर जो कवि हैं वो कौन है, मुसलमान कवि हैं। आप देख लीजिए मुल्ला दाऊद है जिन्होंने चंदायन लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी है जिन्होंने पद्मावत लिखा, नूर मोहम्मद है जिन्होंने अनुराग बांसी वगैरह लिखा, कुतुबन है जिन्होंने मधुमालती लिखी। तो अधिकतर जो कवि हैं वो मुसलमान कवि हैं और इन्होंने अपनी ये जो कवि हैं वो मुस्लिम कवि हैं लेकिन इनकी विचारधारा है वो कट्टर मुस्लिम नहीं, ये हिंदू घरों के देवी देवताओं की हिंदू राजा महाराजाओं की जो भी प्रेम कथा है उसको अपनी कथा का प्रमुख विषय बनाते हैं। इसलिए मुस्लिम कवि होते हुए भी हिंदू घरों के देवी देवताओं के हिंदू राजा रानियों की प्रेम कथाओं को इन्होंने अपनी कथा का विषय बनाया है। अधिकतर कवि मुस्लिम हैं और इन्होंने अपनी कविताओं में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी शैली एक इस तरह की कथा लिखने की एक इस तरह की शैली होती है, स्टाइल होती है, जिसमें सबसे पहले जो भी जो लेखक होता है वो लेखक सबसे पहले अपना जो भी आराध्य देव होता है उस आराध्य देव को समर्पित करते हुए एक दो पद लिखता है। तो ये कवि अधिकतर मुस्लिम कवि हैं तो इन्होंने भी अपना जो आराध्य देव है मोहम्मद साहब की स्तुति में उनकी प्रशंसा में सबसे पहले उनका काव्य लिखा है, उसके बाद उनके जो भी चार मित्र हैं उनकी प्रशंसा में काव्य लिखा है, उसके बाद अपनी कथा है उसको आगे गुरु महिमा का वर्णन करते हुए अपनी कथा को आगे इन्होंने गति प्रदान की है। तो इस तरह ये जितने भी अधिकतर जो कवि हैं उन्होंने अपनी उस काव्य में अपनी उस कविता में सबसे पहले मसनवी शैली का प्रयोग किया है और अधिकतर कवि मुस्लिम कवि हैं। दूसरी जो इस काव्यधारा के कवियों की जो दूसरी जो विशेषता है वो है कि इन कवियों ने अपनी जो भी प्रेम गाथाएं हैं
अपनी जो भी प्रेम गाथाएं हैं उन प्रेम गाथाओं का नामकरण है वो नायिका के नाम के आधार पर किया है। प्रेम गाथाओं का नामकरण नायिका के नाम के आधार पर किया है। देखिए ये जो भी प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं इन्होंने अपना जो भी ग्रंथ लिखा है, जो भी काव्य लिखा है, उस काव्य का जो नामकरण है वो नायिकाओं के नाम के आधार पर किया है। आप देख लीजिए, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, वो पद्मावती, उसकी नायिका थी पद्मावती, उसी के नामकरण के आधार उसका नाम पद्मावती रख दिया। उधर वो है मंजन, उन्होंने मधुमालती उसकी नायिका थी तो उसके आधार पर मधुमालती नाम रख दिया। उधर वो है मुल्ला दाऊद, उसकी जो नायिका थी वो चंदा थी तो चंदा के आधार पर चंदायन नाम रख दिया। उधर वो है कुतुवन, कुतुवन ने अपनी जो ग्रंथ है उसका नाम मृगावती रखा तो वहाँ उसकी नायिका थी वो मृगावती थी तो उसने उसके नाम पर मृगावती रख दिया। उधर वो है ईश्वरदास, उन्होंने अपनी जो नायिका थी हंसा, उस हंसा के नाम के आधार पर उसका नाम हंसावती रख दिया। तो ये जितने भी जो कवि हैं प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं तो अधिकतर कवियों ने अपना जो भी प्रेम का कवि अपनी जो भी काव्य रचना है उस रचना का जो नामकरण है वो उस काव्य की जो भी नायिका है उस नायिका के नाम को आधार बना करके किया है। अगली जो विशेषता है वो है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। अलौकिक प्रेम की व्यंजना, देखिए एक तो होता है लौकिक प्रेम, एक होता है अलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम का मतलब होता है जो इस लोक में विराजमान है, जो इस लोक में विराजमान है। तो इन कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। लौकिक प्रेम के माध्यम, इस लोक की कथा के माध्यम से उन्होंने अलौकिक जो इस लोक में नहीं है उनके प्रेम को बतलाया है। व्यंजना का मतलब उसको समझाया है। अलौकिक अर्थात जो इस लोक में नहीं है उनके प्रेम, इस लोक में कौन नहीं है? आत्मा परमात्मा। आत्मा परमात्मा जो इस लोक में नहीं है, ऐसे उस आत्मा और परमात्मा के उस प्रेम की उस कथा को इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से, लौकिक प्रेम कौन है? जो इस लोक में विराजमान है। इस लोक में विराजमान जैसे आपने देखा होगा कि अभी जैसे आपके सिलेबस में है जायसी, जायसी ने राजा रत्नसेन जो चित्तौड़गढ़ का शासक था, मेवाड़ का शासक था राजा रत्नसेन, नायिका पद्मावती जो सिंगलदीप की राजकुमारी थी गंधर्वसेन की बेटी, आ गया सर? तो सिंगलदीप की राजकुमारी वो इस लोक में है, रत्नसेन है वो इस लोक में, तो इस लोक के नायक नायिकाओं की उस प्रेम कथा के आधार पर उन्होंने अलौकिक आत्मा और परमात्मा के प्रेम की कथा को बतलाया है। आत्मा और परमात्मा के प्रेम की होता है। पद्मावती है वो परमात्मा का रूप है, रत्नसेन है वो आत्मा का रूप है, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं करती है, विभिन्न प्रकार का वैराग्य धारण करते हैं। आपने देखा होगा रत्नसेन है वो 12 साल तक योगी के वेश में वहां पड़ा रहा उसकी प्राप्ति के लिए। तो ये इस तरह ये जो कवि हैं प्रेमाश्रय काव्य धारा सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं वो इस तरह इस लोक की प्रेम कथा के आधार पर, लौकिक प्रेम कथाओं के आधार पर अलौकिक प्रेम को समझाते हैं। हिंदू देवी देवता, हिंदू राजकुमार राजकुमारियों के उस प्रेम की कथा को आधार बना करके और आत्मा और परमात्मा के प्रेम को समझाते हैं। ये इन कवियों की विशेषताएं रही है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है कथानक, कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। देखिए कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियों का प्रयोग,
प्रेमाश्रय या संत काव्य धारा, वो प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा के जितने भी जो कवि हैं, इन्होंने अधिकतर अपने जो ग्रंथ लिखे हैं वो एक कथा को गति प्रदान करने के लिए लिखे हैं। इसलिए इनके ग्रंथों में प्रबंधात्मकता का गुण आ गया है, कथा संगठन हो गया है। कथा संगठन का मतलब एक कथा का संगठन बन गया है, कथा का रूप बन गया, और जब कथा का रूप बना गया तो वो काव्य में प्रबंधात्मकता स्वाभाविक है। तो इन्होंने अधिकतर जो अपने काव्य लिखे हैं उनमें प्रबंधात्मकता का गुण अपनाते हुए, प्रबंधात्मकता को अपनाते हुए इन्होंने एक कथा का रूप दिया है। आप देख लीजिए, चंदायन है, पद्मावत है, मृगावती है, मधुमालती है, ये जितने भी जो काव्य ग्रंथ है उसमें एक कथा का रूप है, एक प्रबंधात्मकता का गुण है। तो इन कवियों ने कथा संगठन एवं अपनी उन कथाओं में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया। कथानक रूढ़ी, कथानक रूढ़ी क्या होती है? कथानक रूढ़ी होती है कि जैसे प्राचीन जो ग्रंथ थे उन प्राचीन ग्रंथों में राजा महाराजा है, वो रानी महारानी से जो मिलन करते थे, वो अधिकतर उनका जो मिलन होता था वो या तो शिव मंदिर में होता था, गिरजा पूजन जाते समय होता था। उनके जो दर्द प्रेम की उत्पत्ति है, एक दूसरे में जो प्रेम की उत्पत्ति है वो भी चार प्रकार से बताई गई थी। पहली थी गुण श्रवण से, दूसरी थी चित्र दर्शन से, तीसरी थी प्रत्यक्ष दर्शन से, और चौथी थी स्वप्न दर्शन से। देखिए, ये जो भी राजकुमार थे या जो भी राजकुमारियां थी, उनका जो मिलन होता था, उनके प्रति जो प्रेम की उत्पत्ति होती थी वो चार प्रकार से होती थी। ये इस तरह की एक कथानक रूढ़ी थी। रूढ़ी का मतलब है इस तरह की एक परंपरा बन चुकी थी कि हमारे जो भी लेखक हैं वो लेखक नायक और नायिका के प्रति जो प्रेम की उत्पत्ति बताएंगे वो इन चार प्रकार से बताएंगे। या तो उसको स्वप्न में दर्शन होगा, स्वप्न दर्शन होने के बाद उसका गिरजा मंदिर में मिलन होगा, फिर उसकी प्राप्ति के लिए वो योगी का वेश धारण करेगा। तो इस तरह की कथानक रूढ़ियां बन गई थी। तो इन कवियों ने, इस काव्य धारा के जो कवि हैं, उन्होंने भी इन कथानक रूढ़ियों का प्रयोग करते हुए और काव्य ग्रंथ लिखे हैं। आप देख लीजिए, जैसे राजा रत्नसेन है और रानी पद्मावती है, उन दोनों में एक दूसरे के प्रेम की जो उत्पत्ति है वो किसके माध्यम से होती है? गुण श्रवण के माध्यम से होती है। गुण श्रवण के माध्यम से होती है। हीरामन नाम का तोता है, वो पद्मावती के वहां से आकर के और इधर आ जाता है। उधर राजा रत्नसेन है, वो जैसे ही उस तोता के माध्यम से उस पद्मावती नाम की उस नायिका के गुणों का श्रवण करता है तो उसके प्रति उसके प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है, वो उसकी प्राप्ति के लिए चल देता है, उसको गिरजा मंदिर में देखता है, और फिर योगी का वेश धारण करके उसके ऊपर आक्रमण करता है, देवी देवता प्रकट होते हैं उनके युद्ध में। तो ये कथानक रूढ़ियां हैं। अधिकतर जो भी प्रेम गाथाएं हैं उनमें इसी तरह की रूढ़ियां चल रही हैं। आप देखिए, मुल्ला दाऊद का है वो स्वप्न दर्शन है, चंदायन चंदा नाम की जो नायिका थी उसका जो नायक था वो स्वप्न में उसके दर्शन कर लेता है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए चल देता है, उसके दर्शन करता है। तो ये कथानक रूढ़ी बन चुकी थी। रूढ़ी मतलब इस तरह की परंपरा बन गई थी। हमारे लेखक वो इस तरह की कथानक रूढ़ियों का प्रयोग करते हुए अपनी कथा को गति प्रदान करते थे। अगली जो विशेषता थी वो थी चरित्र चित्रण की प्रधानता। चरित्र चित्रण की प्रधानता। अब देखिए, सूफी काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा के जितने भी जो कवि थे, उन्होंने अपनी उन प्रेम कथाओं में, अपने उन प्रेम गाथाओं में जो भी नायक या नायिका का जो वर्णन किया है, उन नायक नायिकाओं के जो चरित्र है उसको उद्घाटित किया है, उसको महान, उद्धारक, धैर्यशाली, धीरोदात नायक के रूप में चित्रित किया है। जहां भी इन्होंने जो भी नायक का वर्णन किया है वो नायक धीरोदात्त नायक के रूप में, साहसी, धैर्य, नेतृत्व युक्त, इस तरह के गुणों से युक्त बतलाया। आप देख लीजिए, जैसे पद्मावत में है राजा रत्नसेन है, वो एक धीरोदत्त नायक, वीर, साहसी, दृढ़ निश्चयी,
कुशल नेतृत्व आदि गुणों से युक्त है। और जिस तरह उन्होंने नायक के चरित्र का वर्णन किया, उसी तरह उन्होंने नायिका को भी उन्होंने श्रेष्ठ, आदर्शमयी, त्यागमयी, साहसी वीरांगना के रूप में चित्रित किया है। आप देख लीजिए, उधर पद्मावती है, उसका जैसे ही वहां से वो आती है, बीच में अलाउद्दीन खिलजी वो अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बावजूद वो वहां अपना जो स्वभाव है, साहसी, धैर्य, ऐसे गुणों से युक्त होती है। तो इन कवियों ने जो भी चित्रण किया है, उस चित्रण में इन्होंने नायिकाओं को इस तरह से साहसी, धैर्यवान, क्षमावान, त्यागमयी, आदर्शमय नारी के रूप में चित्रित किया है। साथ ही साथ उनको सौंदर्य रूप में भी चित्रित किया है, सुंदर रूप में भी चित्रित किया है, उनके सौंदर्य का भी वर्णन किया है। आपने देखा होगा, जायसी ने पद्मावत में लिखा है, का श्रृंगार वही वर्णो राजा। पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए भी कहा, उसको एक सुंदर नायिका के रूप में स्थापित करते हुए कहा है, क्या कहा है, का श्रृंगार वही वर्णो राजा, वही का श्रृंगार वही पैसा जाएगा, उसका श्रृंगार है वो तो उसी के ऊपर शोभायमान होता है। प्रथम शीश कस्तूरी केसा, वलिवास की का और नरेसा, देखिए उसकी चोटी का, उसके नक्षिक सौंदर्य का, इस तरह का वर्णन भी इन्होंने किया है। तो इन्होंने जहाँ नायक को एक धीरोदात नायक के रूप में, एक श्रेष्ठ, धैर्यशाली, साहसी, वीर आदि के रूप में चित्रित किया है, वहीं नारी को इन्होंने त्यागमय, क्षमामय, आदर्शमय नारी के रूप में स्थापित करते हुए और उसके सौंदर्य का भी चित्रण किया है। इस तरह इन कवियों ने चरित्र चित्रण के साथ साथ नायक नायिकाओं के रूप सौंदर्य का भी चित्रण किया है। अगली जो विशेषता है सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रय काव्यधारा के कवियों की, वो है वस्तु वर्णन की विविधता। वस्तु वर्णन की विविधता, इस पर हम चर्चा अब आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, आज हम इतना ही पढ़ते हैं।